हमारे साथ है। विपक्ष वाले जब 15 का धरना उठाया, 15 का बोला 15 वाले हो गए, 2015-14 का विपक्ष भी चुप रह गया क्योंकि उनको पकड़ फिर उनके वो जब्त कर रहे हैं। जो 14 का भी चल रहा है गंगा घर में बोला हम कब बोला 15 का उठा रहा है विपक्ष चुप रह गया। अभी बोलो ना जो भी का चल रहा है अभी कुछ नहीं बोल रहे सच बोलिए कि वो कितना कितना टेन और जेल में रह सकते हैं आप सच बोलना जिससे आपको पैसा है जिस हिसाब से वो डील करेगा आपके बच्चे समान सच बताना आप रहेगा कितना प्रैक्टिकल 10 साल रह सकते हैं आप अपना काम सुधारने वाली बात होटल पूरी व्यवस्था करेंगे 10 साल आपने 10 साल की आप दर्द समझ सकते हैं अरे बात करने दो यार अरे बात करने दो यार मैंने आराम से एजुकेटेड पर्सन हो मैम मेरा पेट दर्द होगा मैं कहाँ जाऊँगा डॉक्टर के पास जाऊँगा ना मेरा पेट दर्द हो रहा है आपको पता नहीं सिस्टम क्या है बच्चों की सिंपल मांग है पेपर आप निरस्त करा दो परसों 12 तारीख का एक मिनट सिस्टम आप बना दो कैलेंडर जारी कर दो वो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी है। हाँ मैम कर मैम तैयारी वाले बच्चे हैं तैयारी वाले सारे बच्चे हैं मैम कोई बात नहीं है अगर जो बंदा जिसकी तैयारी है और मैम उसको 2 महीने में क्या दिक्कत होगी कोई नहीं सब कह रहे हैं मैम सबके बाद तैयारी बच्चे के बाद दो मांगे तुम्हारी मांग का सलूशन कैसे हमारा सलूशन ये है मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये कमिटमेंट हाँ सही बात है आपको कमिटमेंट देने के लिए कोई अधिकारी है ना आए मैं हूँ आप मुझे बताइए ना किससे बात करनी है ठीक है मैं वार्ता कराई ना क्या हाल हुआ देखिए मैं एक ठीक है अभी कराना ठीक है तुम मेरी बात सुनो मैम 2-3 मैं बोल रहा हूँ मैम सिंपल अरे सुनो अरे भाई मैं बता रहा हूँ मैम देखना मैम यूटेड रिपिलेसी क्या हाल हुआ था हुआ जब आयोग देखो ना मैम कमिटमेंट ये देखो जब विकेट रिटर्स नीति धांधली हुई इसमें भी कमी नहीं कर आप लगाओ जब आप इतनी देखो मैम आपने यूपीएससी आपको पता है मैम सिस्टम का जब आप हमारा दर्द आप ही समझेंगे तो नेता क्या समझेगा मैम वो तो अनपढ़ जा रखा है वहाँ अरे नहीं अरे छोड़ो ना देखो उनको पता भाई बिल्कुल मैम बिल्कुल मैम 10 बार दे दी कमिटमेंट 10 बार कमिटमेंट दे दी आयोग ने क्या बोला था जब आयोग ने कमिटमेंट दिया था पहले आप सही कह रहे मैम हमारी तो सुनो मैम आयोग ने कमिटमेंट ये दिया था मैम सुनो कमिटमेंट आयोग ने ये दिया था सर कमिटमेंट सबने दे दिए आप जब यूके में प्रेस में थी धांधली हुई आयोग का बंदा इतना नहीं कर
कर रहा है आप अंदर कमेटी में बैठा हो भी कर रहा है ये समझो ना सर आप हम आपके लिए नहीं कह रहे आपका कहना हम अच्छा नहीं लग रहा हम रोड पे बैठे हैं सर हमारा भविष्य रोड पे नहीं अरे सर कौन कर रहा है आप वीडियो पड़ी है क्योंकि सब सर आप पढ़ लिख के आए नेता पढ़ा तुम्हारा नहीं जानते लेकिन मैम सर जो बंदा छह साल बैठ सकता है छह महीने नहीं बैठ सकता सर सिंपल है चलो चलो क्यों जाए हम कमेंट दे रखा